का अपना बीट ब्रोज कुल सिंह राजपूत, पहली बार यूट्यूब के ऊपर लाइव आ रहा हूँ। आप सब लोग सोच रहे हो कि यार बंदा हमेशा वीडियो बनाता है, लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, मेरा यूट्यूब के ऊपर डमी भी सुना होगा। तो मैं आज पहली बार आया हूँ, क्यों आया हूँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग मेरी ड्रेस देख रहे हो, मैं CLC के अंदर सिक्कर के अंदर पढ़ रहा हूँ, PMT टारगेट का स्टूडेंट हूँ। आज मेरे साथ कुछ ऐसी बात हुई CLC के अंदर जो शायद आप लोग सुनोगे तो आप लोग सोचोगे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था कोचिंग के अंदर। आप लोगों को पता लगेगा तो आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कि भाई गलत हुआ है या सही हुआ है। आप लोग मेरे को बताना जो हुआ है वो मेरे साथ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। आप लोगों को पूरी वीडियो देखना और अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आप लोग, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप लोगों को क्यों शेयर करनी है क्यों नहीं करनी है, आप पहले मेरी बात सुनिए। जब मैं 12th पास करके आया तो मेरे को कहा गया कि मम्मी मैं क्या करूं, मम्मी ने कहा एक काम कर PMT कर ले और सीखकर चला जा CLC के अंदर, वहां से तेरी सिस्टर भी आके आई है ताऊजी की लड़की, तो वहां पे चला जा, है ना, सरवन सर अच्छे हैं उनके पास चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसके थ्रू आया, सरवन सर के थ्रू आया। और मेरे को ये नहीं पता था कोचिंग अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, क्यों, क्योंकि मैं तो गाँव से आया हूँ या छोटी सी स्कूल से आया हूँ। और आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव के अंदर कुछ भी होता है कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे बंदे होते हैं, सब मान लिया जाता है। लेकिन आज मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। आज से बहुत दिन पहले मेरे दोस्त एक समीर नाम का, उसकी एक बोतल चोरी हो गई थी कैंप के अंदर। तो हमने पियोन वगैरह से कहा कि सर हमारी बोतल वगैरह चोरी हो गई है, हमारी बोतल बता दो। हमको कोई वो नहीं मिला, सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं मिला कि आप लोगों की बोतल हम दे देंगे वगैरह, कुछ नहीं, तो हमने छोड़ दिया। तो आज जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ उस दिन शाम को, अब टाइम आप लोग देख लेना कब डाल रहा हूँ मैं, 10 बज रहे हैं रात के, तो मैं सुबह 7 बजे की बात है, 6:45 के समथिंग। तो मैं सुबह 2 बजे में क्लास लगती है, मैं 2 बजे जा रहा था कोचिंग के नीचे गया, बेसमेंट्स के थ्रू मैं अपने एडम ब्लॉक के ऊपर कोचिंग है मेरी, वहाँ जा रहा था। तो मैं बेसमेंट के नीचे जैसे ही निकला वहाँ पे एक बोतल रखी थी, उसका जो बाहर का कवर था वो सेम टू सेम मेरे दोस्त की बोतल के जैसा था। तो मैंने सोचा किसी प्यून वगैरह ने ली होगी, तो हमने सारे प्यून से तो पूछा नहीं था उस दिन, तो शायद उसी की बोतल होगी। तो मैंने बिना पूछे वो बोतल बैग के अंदर डाल ली, मेरे को पता नहीं था किसकी है किसकी नहीं है। तो मैंने सोचा यार हमारी भी तो बोतल गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या मैंने चोरी कर ली क्या उस बोतल की। एक बोतल ही तो थी मिल्टन की, थर्मस था मिल्टन का, ये कुछ 700-800 रुपए का बोतल मैंने ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले है ना जब मैं क्लास के अंदर गया तो मेरा दोस्त था, उसने बोला यार कि तूने गलत किया, किसी की बोतल ले ली, अपनी बोतल चोरी हो गई कोई दिक्कत नहीं है, किसी गरीब बंदे की बोतल होगी अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी गरीब बंदे की बोतल लेना। तो उसने मेरे से वो बोतल ले ली, बोला कुछ तू तो वापस रखने वाला नहीं है, मैं रख दूंगा इसको जब मैं छुट्टी में बाहर जाऊंगा। तो उसने मेरे से बोतल ले ली। जैसे ही 3rd क्लास लगी तो मैं आगे चला गया, सर ने बोला तुम लोग आगे आ जाओ, तो मैं आगे चला गया, वहां बैठा था और मेरा दोस्त वो पीछे रह गया था। तो उस क्लास के अंदर कुछ हल्ला उल्ला हुआ या बोतल का कुछ भी मैटर था, हमारे कैमरे चेक किए गए क्योंकि कोचिंग के अंदर जो कैमरे लग रहे थे, जब कैमरे चेक हुए तो उन्होंने कहा, देखा कि बोतल, हम लोग सरेआम पानी पी रहे थे बोतल के अंदर, तो उन्होंने बोतल देख के कमरे के अंदर आए, कमरे में पीछे गए, पीछे मैं नहीं मिला, मैं आगे था, आगे आते ही मेरा थप्पड़ दिया गया यहाँ पे, थप्पड़ जैसे पड़ा तो मेरे सीधा कहा गया कि बोतल कहाँ पे है। मैंने उनको बोतल बताई, सर पीछे मेरे दोस्त के पास बोतल रखी हुई है मैं लेके आता हूँ। जैसे मैं बोतल लेके आया बोले सर कवर कहाँ है, मैंने कवर दिया उनका कवर, जैसे मैंने उसकी जो चेन वगैरह जिप वगैरह थी वो मैंने बंद की, बंद करते ही मेरे सीधा बोतल की यहाँ पे दी, जैसे कोई गुंडे वगैरह को मार रहे हो, मैंने कुछ सीरियस चोरी की है, पूरी कोचिंग अंदर फैला दिया कि बीट ने चोरी की है, बीट ने चोरी की है। भाई मैंने कोई चोरी नहीं की, वो बोतल वहां रखी थी, मैं लेके आया था, आप लोग क्लियरली बता रहा हूँ, अगर यकीन नहीं हो, अगर CLC वाले बात सुन रहे हैं, अगर मेरी गलती हो तो उस दिन की पूरी वीडियो दिखाई जाए, ठीक है, जैसे मेरे को मारा गया था। जैसे बोतल यहाँ पे पड़ी, उस बंदे को पीटा, मेरे को पीटा, मेरे को नीचे गिराया गया, नीचे गिराते ही मेरे को बेल्ट उससे फट्टी आती है जिसको CLC के अंदर यूज किया जाता है स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, ऊपर वाले स्विच, उस फट्टी से मेरे को पीछे से मारा गया। वीडियो के लास्ट में अपने पीछे निशान दिखाऊंगा जो मेरे को उससे मारा गया था, उसके पड़ रहे हैं। इसके अलावा मेरे को जूतों से मारा गया, घसीट घसीट के, जैसे फिल्मों के अंदर, साउथ की फिल्मों में गुंडे वगैरह को मारा जाता है, पुलिस वाले जैसे मारते हैं, मेरे को वैसे मारा गया। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताऊंगा, जब मेरे को अंदर ऑफिस के अंदर ले जाया गया तो अंकित जांगिड़ जो वर्डिंग यूज कर रहा था मेरे को मारते टाइम भी और अंदर जाने के बाद भी, उसने जो वर्डिंग यूज की वो वर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत मैं बता नहीं सकता कि यार इतनी बड़ी कोचिंग खोल रखी है CLC, जो कि पूरे बताया जाता है राजस्थान की टॉप कोचिंगों के अंदर आती है, इंडिया के अंदर भी नाम है इसका, ऐसे है वैसे है। आज उस कोचिंग की आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, यहाँ पे आज मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर भाई आप लोग किसी बहुत बंदों के साथ हुआ है, अगर आप लोगों के साथ भी ये हुआ है तो प्लीज शेयर करना। जो उसने वर्डिंग यूज करी थी वो कुछ ऐसी थी कि तेरी माँ की चूत,
माधव बहन के लंड। और ये बात हुई, उसे मारने एक लग रहा था मेरे को, फिर अंदर ले जाने के बाद पता है उसने क्या कहा कि तूने चोरी क्यों की। मैंने बताया सर ऐसी ऐसी बात है, मेरे दोस्त की चोरी थी मैंने उठा ली है ना। तो उसने पता है क्या बोला, तेरा बाप तेरे को यही सिखाता है क्या है? तो मैंने बोला नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसे माँ बाप के बारे में मत बोलो। बोला तेरी माँ को मेरे पास भेज देना, मेरे पास। और मैं बताता हूँ माँ को कैसे भेज दे जाता है, तेरी माँ नहीं होगी बहन के लोड़े, सीधी गाली दे रहा हूँ लाइव। और तेरी माँ को मेरे पास भेज दे, कुंज सिंह राजपूत बीट बॉस में इतनी पावर तो होगी, तेरी माँ को संभाल लेगा ये बंदा, समझा? असली राजपूत हूं मैं। तूने क्या बोला था कि तेरी माँ को मेरे पास भेज दे, मैं बोल रहा हूँ तेरे को लाइव लाइव सबके सामने भेज मेरे पास, मेरे पास भेज, तेरी माँ को मैं बताता हूँ। वर्डिंग यूज कर, तमीज से बात कर, तमीज से बात करूंगा ठीक है। जो तूने क्या यूज किया था उस टाइम है, और भाई लोगों आप लोगों को पता है सीएल सिम क्या कांड होते हैं, ये पहली वीडियो डाल रहा हूँ, इसके बाद आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा मैं क्या क्या होता है, ऑन प्रूफ के साथ बताऊंगा। अगर सीएलसी का कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है ना, तो मेरी बात बताता हूँ आपको, ये वीडियो शेयर करना। अगर आप लोग ये सोचते हो कि भाई मैं शेयर नहीं करूंगा, कोई बंदा और शेयर कर देगा, तो भाई हर बंदा यही सोच के बैठा रह जाएगा। अगर जो गाली मेरे को पड़ी है ना, वो तेरी माँ को पड़ती ना, जब तेरे को फील होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई एक ही चीज मांग लो, बस ये वीडियो शेयर करना। सीएलसी जो आज टॉप पे है ना, वो आज लोग पता लगनी चाहिए कि इसकी हकीकत क्या है और क्या नहीं है। थैंक यू, प्लीज इस वीडियो को शेयर करे। उस बंदा लाइव मेरे को सॉरी बोलना चाहिए, वो मेरे को सॉरी बोल, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग छोड़ दूंगा मैं ठीक है ना। कोचिंग छोड़ने के बाद मैं भी एक आदमी हूँ, और सारे केस ठोकना चाहूँ तो मैं भी सोख दूँ। जो कान है ना कान, उसे सुन नहीं रहा, और वीडियो भी मैं दिखाता हूँ तेरे को, रुक कैसे मेरे जो निशान पड़ रहे ना पीछे, एक सेकंड रुक, अभी दिखा रहा हूँ वीडियो में तेरे को। दिख रहा है ये निशान, देख जो ये निशान यहाँ पे पड़ रहा है, लाल रंग का जो निशान पड़ रहा है, ये जूते मारे गए थे मेरे, जो जूते मेरे पड़े थे ना वहां सारी क्लास के सामने। अगर वो जूते झूठे हैं तो कैमरा दिखा, 6:45 की रिकॉर्डिंग ऑन करके लाइव दिखा दे, और बात करना फिर मुझसे कहां तू अपनी दोस्त में हो रहा है। कोचिंग के नाम पे, मैनेजमेंट के नाम पे गुंडे पाल रखे हैं क्या, जैसे मारने के लग रहा है? क्या गलती करी थी, एक बोटली तो उठाई थी, क्या हुआ? टीचर की बोतल उठाई थी, तू मेरे को मार रहा है? शायद तुम लोगों की हरकतें मैं अगर बताने लगूंगा अगली वीडियो जरूर डालूंगा, हर एक बंदे की स्टोरी मैं बताऊंगा, हर एक बंदे की स्टोरी। भाई आप लोगों से ये बोल रहा हूँ मैं हूँ, आप लोग सोच रहे हो सूत्यापंथी कर रहा है, रियलिटी बोल रहा हूँ। अगर तेरी माँ को गाली पड़ती ना, जो वीडियो देख रहा हूँ उसको बता रहा हूँ, अगर तेरी माँ को गाली पड़ती तो फील होता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई एक शेयर जरूर मारना, एक शेयर जरूर मारना।